सदा भवानी दायिनी प्रसन्नमुख होत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु में, दो लगाओ चालो रवाना हो, ऐसे बोलते हैं हमारे गांव में। कुछ भी शुभ कार्य होता है तो इस आने वाले संध्या परसों गांव में पूजा है हमारे कुल देवता की और कुल महारानी की। तो ये इतनी विशेषता ये है कि सारे सब गुरुओं की जो पृष्ठभूमि हमारे पारिवारिक रही है वो सुजानगढ़ में जिला चूरू के आसपास का पूरा एरिया है, बराबर मेरा गांव है। तो हम लोग वहाँ की यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं गुरुजनों के सबसे देवी देवताओं से आज्ञा लेके, सर्वतारेषु सर्वदा शरीरं स्वरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनम्। वीडियो है वैसे। उनकी एंट्री से पर्सनालिटी थी, ये ऐसे आते थे, मतलब बहुत मशहूर है के लोग डर के मारे यूं कांप जाते थे। कंस की एंट्री होती थी, वेट करते थे कंस। मैं खाचे बता रहा हूँ सही। और महाराज जी वगैरह के बैले जब होते तो कंस करते थे ये इधर वाले कोट पैंट वाले। अभी तो इसमें छोटी आई दिख राजस्थान का जो मैंने कुछ बोला वही दिख रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा उल्टा बांध लो मुझे हो रहे रस्सा नहीं, नहीं बाल्टी दैट पिचर नहीं, रबड़ का होता था है ना। और उसको इतना मोटा रस्सा होता था, इतना मोटा, क्योंकि वो नीचे से वो जब पानी भर जाता था तो हम 8-10 लोग वहाँ से खींच के भागते, दर ऐसे भागते थे और फिर लास्ट वहाँ तक जाते थे। तो वो पानी ऊपर आता था फिर वो डाल देते थे, फिर वापस जाते, फिर आते, फिर ये एक्सरसाइज थी हमारे। हमें तो खैर ये
बाकी छोटी छोटी कुइयां है और ये कुआ है और वो जो छतरी से उधर दिख रही है ना उधर वो इससे वो स्वेटर वगैरह इसी से तो बनते हैं। और यहाँ मन्नत मांगते हैं। आज पहला नवरात्रा भी है, टुडे पहला नवरात्रा, बुद्ध नवरात्र है आज से। चमत्कार अपने आप में है, ये साक्षात चमत्कार है जिसमें कोई सीमेंट से कोई पत्थर को जोड़ा नहीं गया है और ये कोई पत्थर का शेप ही नहीं है, अपने आप ही आए, अपने आप ही वो कहते हैं ना पत्थर वत्थर की कोई शेप नहीं है क्योंकि इनको कोई लाया ला नहीं सकता ना, तो ये नेचुरल है सारे और अपने आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है, केवल यही है। हाँ, और देखो बीच में गैप भी कितना है फिर भी टिके हुए हैं। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि इनको कहीं से जोड़ा गया है, तो पता लग रहा है ना इस जगह आपको अभी गर्म बहुत है वरना हम तो इधर उधर चढ़ जाते हैं और शाम को ठंडा हो जाता है तो लोग चढ़ जाते हैं। वहाँ उस एरिया में बारिश के बादल छाए हुए हैं, दिख रहा है ना, देखो तुम देखो कहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई घर नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, क्या है?